नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू पर फोड़ा हार का ठिकरा। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद पार्टी के भीतर अंतकलह शुरू हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए अपनी ही सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को ठिकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि सिद्धू के पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को गले लगाने में हमें नुकसान हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बातचीत के दौरान कहा है कि सिद्धू का पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को गले लगाने किसी भी हिंदुस्तानी को अच्छी नहीं लगी। यहाँ तक कि एक पूर्व सैनिक होने के नाते मुझे भी उनकी यह हरकत पसंद नहीं आई। सीएम अमरिंदर ने गुरुदासपुर से कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ के पिछड़ने पर कहा कि जाखड़ अनुभवी राजनेता है और उन्होंने कहा काम भी अच्छा किया है। जनता ने ऐसे मंझे हुए राजनेता के ऊपर अभिनेता को क्यों तरजीह दी, ये समझ से परे हैं। उर्मिला मातोंडकर को नहीं पच रही चुनावी हार। ट्विटर पर ईवीएम पर उठाए सवाल। मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला मातोंडकर को चुनावी में ही करारी हार मिल रही है। लोकसभा चुनाव को मतगणना के रुझान जो कि नतीजे साबित हो सकते हैं उसे लेकर उर्मिला मातोंडकर ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त की है। उर्मिला ने एक ट्वीट में अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी कैंडिडेट को गोपाल सेट्टी को जीत की बधाई दी। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज करने की बात भी कही। उर्मिला मातोंडकर ने एक ट्वीट में लिखा मंगा थाने की ईवीएम 87 के फॉर्म के सिग्नेचर और मशीन के नंबरों में फर्क है। चुनाव आयोग से इस संबंध में शिकायत की गई है। तो एमएनएस न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।